अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद नून में आप सभी का खैर मकदम। ये गाजी है तेरे पुर असरार बंद, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दुनी मिन की ठोकर से दरिया वो सहरा, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से रहे। इलाही भेज दे एक और सलाउद्दीन अय्यूब। आलम इस्लाम का क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा लुहान है। मिंबर मेहराब सिसक सिसक कर मुसलमानों से इल्तिजा कर रही कि आओ और आज़ाद करो उस मस्जिद को जिसमें इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज के वक्त नमाज अदा की थी। आज उसी बैतुल मक़दिस की मुख्तसर तारीख को पेश करने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जख्मों से चूर फलस्तीन है, जहां कभी मुसलमान पुरसकून माहौल में नमाज अदा किया करते थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात ईस्वी सन 632 में हुई। खलीफा इस्लाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 637 ईस्वी में यरूशलेम की घेराबंदी की। इस्लामी फौज के कमांडर अबू उबैदा इब्न अल जर्रा के कयादत में यरूशलेम के ईसाई हुक्मरान पैट्रियार्क सोफ्रोनियस ने खुद को खलीफा हजरत उमर के सामने घुटनों के बल बैठकर शिकस्त को कबूल की। यरूशलेम पर इस्लामी परचम लहराया, पूरे शहर पर मुसलमानों की फतह हुई। आगे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी फलस्तीन में कई सारी जंगें लड़ी। ईस्वी सन 685 से 705 तक खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने डोम ऑफ रॉक, जिसे किबलतुल सखरा कहा जाता है, की तामीर की, जिसे अक्सर मस्जिद अक्सा के तौर पर दिखाया जाता है, पर वो मस्जिद अक्सा नहीं है। अब्दुल मलिक इब्न मरवान के बेटे अब्दुल मलिक अल वलीद ने अल अक्सा मस्जिद के इहाते में बड़े पैमाने पर तामीर की। एक तवील अरसे तक बनु उमैया और बनु अब्बास के बादशाहों के मातहत फलस्तीन रहा, तो कई बार अख्तलाफात का सबब भी बना रहा। बाज़ंटाइन के हमलों से हमेशा फलस्तीन की हिफाजत की जाती रही। इसी बीच तुलुनीद इख्दीस फातिमी हुक्मरानों के मातहत फलस्तीन रहा, लिहाजा कर्मंटियन बाज़ंटाइन और बारहा बेडोइन की मुखालफत का सामना इन्हें करना पड़ा, जो ईसाई और यहूदी हुक्मरान रहा करते थे। इस तरह फलस्तीन अक्सर जंग के मैदान में तब्दील होता रहा। हालांकि अल हकीम ने 1009 में ईसाइयों के चर्च को गिरा दिया। मुसलमानों के आपसी इख्तलाफात का इस्लामी हुकूमत को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा, और इसी का फायदा उठाकर 1099 में क्रुसेडरों ने यरूशलेम को फातिमियन से हासिल किया। यूरोप के क्रुसेडरों ने यरूशलेम पर अपना परचम लहराया। क्रुसेडरों को कोई ताकत उस वक्त रोकने वाली नहीं थी, दूर दूर तक इनका खौफ देखने को मिलता था। लेकिन 1137 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तिकरीत में एक जाबाज मुजाहिद इस्लाम पैदा हुआ, जिसे कयामत तक की दुनिया में सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता गया। शर इस्लाम की ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत में मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दयारे बाकर पर हुकूमत की। सलाउद्दीन अय्यूबी की बहादुरी, जुरात, हुस्न अखलाक, सखावत और बर्दवारी के बास ना सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से इन्हें देखते रहे। पूरी उम्र बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए सर्फ किया। वो दौर भी आज ही की तरह गिरोबंदी का था। मुसलमान मुख्तलिफ गिरोह में तकसीम थे, लेकिन इस्लामी इत्तेहाद का वो पैगाम तमाम मुश्किलों के बावजूद मुसलमानों में पैवस्त किया, जिसके लिए इस्लामी दुनिया आज भी उनके सनमंद है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को यूरोप की मुत्तहिदा फौजों को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को उनसे आज़ाद कर लिया। आलम इस्लाम को एक अजीम तोहफा दिया। अस्कलान, दमिश्क, गाजा को दोबारा जीतने की कोशिश क्रुसेडर्स बारहा करते रहे, बारह मंसूबे और साजिशों के जाल बुनते रहे, लेकिन उसे सलाउद्दीन अय्यूबी ने नाकाम किया। हैरतअंगेज बहादुरी, दिलेरी और जज्बे ईमानी की बुनियाद पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हमेशा उन्हें शिकस्त देने में कामयाब रहे। 4 जुलाई 1187 को तिबेरियस पर कब्जा करने के 6 दिन बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने तारीख की जंग में क्रुसेडर्स को करारा झटका दिया, जिसे हित्तीन की जंग कहा जाता है। अस्पताल, तालीमी इदारे, शिफाखाने और तरक्की याफ्ता कामों को सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अंजाम दिया। इस्लामी तालीमात के साथ जदीद तालीमात को भी हासिल करने की तरजीह इन्हीं के दौर में दी गई। अल्लाह की राह में लड़ना उनके लिए सबसे पसंदीदा शौक रहा। मैदानी जिहाद में मौत आए इसी तमन्ना के साथ वो अक्सर घोड़ों की पीठ पर बैठा करते थे। अल्लाह ने मस्जिद अक्सा की आज़ादी का सबसे बड़ा काम इनसे लिया। 4 मार्च 1193 बमुताबिक 591 हिजरी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा हुकूमत दमिश्क में मस्जिद उमैया के नवाह में सुपुर्द खाक किया गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने 20 साल हुकूमत की। मुसन्निफ इब्ने खलकान के मुताबिक सलाउद्दीन अय्यूबी की मौत का दिन इतना तकलीफ दे था कि ऐसा तकलीफ दे दीन इस्लाम और मुसलमानों पर खुलफाए राशिदीन की मौत के बाद कभी भी नहीं आया था। 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में फलस्तीन रहा, और ओटोमन एम्पायर में मजीद तरक्की देखी गई।
यरूशलेम 1917 से 1948 के बीच अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। खाना जंगी के बाद शहर दो हिस्सों में बांटा गया। ओल्ड सिटी जॉर्डन का हिस्सा बन गया, जबकि आधा इसराइल की नई हुकूमत का हिस्सा बना दिया गया। और तब से फलस्तीन और इसराइल के बीच जंग जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में घुसकर हमास ने हमला किया। 2023 के इस हमले के बाद अब तक 40,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम इसराइल ने किया। अब तो मुसलमान फलस्तीनियों के खून खराबे को भी भूलते जा रहे हैं। मासूम बच्चे, मजबूर खवातीन, बुजुर्ग बूढ़े मर्द औरत भूखे प्यासे खुदा से फरियाद कर रहे हैं, इलाही भेज दे एक और सलाउद्दीन अय्यूबी। पूरी मुस्लिम दुनिया बेहिस हो चुकी है। आसमान से हजारों टन बारूद बरसाया जा रहा है। बुनियादी जरूरतों से वहां के लोग महरूम हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस को देख मुसलमानों का एहसास भी अब खत्म होता जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइश से फलस्तीन के वो लोग ही गुजर रहे हैं, लेकिन वहां की जमीन को शहीदों की जमीन कहा जाता है। सवाल यही उठता है कि क्या कोई सलाउद्दीन अय्यूबी फिर से इस दौर में पैदा होगा? बस इसी सवाल के साथ आज का मौजू खत्म करते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।